हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड सॉरी गाइज, वीडियो थोड़ी लेट हो गई क्योंकि BGMI वालों ने बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर सा अपडेट दिया है जिसको खेल के मेरा दिल बाग बाग हो जाता है हमेशा की तरह, जैसे कि आप लोगों का होता है। इसीलिए वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई। वीडियो में आज ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे क्योंकि मुझे पता है एज अ व्यूअर, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो में से बहुत बोरिंग फील होता है, इतना लंबा वीडियो देखने का मन नहीं करता। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, वीडियो छोटे रखेंगे, बट तड़कता भड़कता वीडियो होगा गाइज, एंड आपको बहुत मज़ा आएगा। इसी के साथ आज की वीडियो हम शुरू करेंगे। उससे पहले अगर आप वीडियो पे नए हो, इस चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना एंड ऑल पे कर देना, एंड एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, चलिए। तो गाइज, मैं जा रहा था इवेंट पे एंड मेरे साथ आ रही होती पूरी की पूरी एक स्क्वाड, एंड अब इस स्क्वाड के साथ मैं क्या करने वाला हूँ आप वीडियो में आगे देखो। पसंद है तो लाइक जरूर कर देना। इस स्क्वाड को निपटाने के बाद मुझे आ रहे थे ऊपर से फुट, तो अब इनको पकड़ते हैं। इन बंदों को निपटाने के बाद मैं जा रहा होता हूँ जोन में, एंड मुझे मिल जाते हैं तीन बंदे, एंड अब इन तीन बंदों को मैं हाल बेहाल करने वाला हूँ गाइस, बहुत बुरा हाल करने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे देखो, पसंद आया तो लाइक कर देना। तो गाइज, मैं यहाँ पे लास्ट जोन में बंदे खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, तभी मुझे पीछे से एक बंदा M24 मेरे 3 लेवल के हेलमेट पे मारता है, जहाँ मेरी थोड़ी सी जान बच जाती है। तो थोड़ी सी जान बचना उस बंदे के लिए कितना हानिकारक है वो आप वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा, बट मैं उसको पहले स्पॉट करता हूँ। स्पॉट मुझे हो जाता है वहाँ, वो पेड़ के पीछे कैंप कर रहा होता है, TPP ले रहा होता है, तो मैं जल्दी से हील करता हूँ। एंड अब इस बंदे के साथ क्या करता हूँ देखो आप, इसकी स्नाइपर को औकात दिखाते हैं। तो गाइज़, यही तो मौका है। अगर आपको ये बस्ट पसंद आया ना, एक सब्सक्राइब कर दो ताकि आप आगे भी और ऐसे बस्ट देख सको। तो अब जब बस्ट की बात हो ही रही है तो कार्ट रेसिंग को पीछे क्यों छोड़ा जाए, एक कार्ट रेसिंग भी देख लो। चलो गाइज, अगर सेंसिटिविटी चाहिए तो मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर देना। इस इवेंट में ना गाइज, मैं कैंपर से बहुत परेशान हूँ, आई नो आप भी परेशान हो, लेकिन कैंपर को ना अगर मारना है तो एक खतरनाक गन होनी चाहिए, जैसे कि P90। और P90 खतरनाक क्यों है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाता हूँ। चलो देखो, शुरू होते ही खत्म, इसे तो कह रहा हूँ गाइस, खतरनाक है P90। अगर सामने वाले बंदे पे है ना, मत घुसो। तो अब जब घुसने घुसाने की बात हो ही रही है तो मैं होता हूँ शैनहॉक में, और यहाँ एक बंदा ना 1v1 की बहुत लंबी चौड़ी अरदास लेके आता है मेरे पास। अब मेरे हाथ में होती है S12 की, तो 1v1 लेने का हिम्मत तो है मेरे अंदर, बट मुझे मन था कि इसको मैं M4 से मारूं। तो गाइस, इसकी ना 1v1 की जो ये ख्वाहिश है ना, इसको मैं बहुत ही ब्रूटल तरीके से पूरी करूँगा। वीडियो में देखो, वो ब्रूटलनेस आपको दिखाई देगी वीडियो में, आगे देखते जाओ। इस वीडियो से ना गाइस, आपको एक सीख मिलती है कि ना ओपन प्री फायर में कभी भी अपना चोच नहीं घुसाना चाहिए, वरना चोच तोड़ जाती है M4 के स्प्रे से, समझे। अब तुम कहोगे कि नहीं भैया, आपने शॉटगन की बात की थी, शॉटगन चला के दिखाओ, आपको शॉटगन चलानी नहीं आती, तो ये भी एक बार देख लो, शॉटगन के अगेंस्ट घुस रहे थे, क्या किया मैंने इनका, देखो एक बार।
नहीं, अब आप लोग बोलोगे कि नहीं भैया ये तो बॉट थे, नहीं ये तो नूप थे, तो एक बार चलो ये भी देख लो, यहाँ पे भी दो बंदे होते हैं, इनका आप देखो कैसे कुत्ता भरता हूँ। तो समझे नूब नहीं हूं मैं, चलती है शॉटगन मुझसे भी, चलाता नहीं हूं बस। अब मैं फिर से आ जाता हूं छोटे वाले इवेंट में, और यहां पे फिर से तीन बंदे होते हैं, और ये बंदे में इतनी हिम्मत होती है कि एक कर रहा होता है क्या, इसको पहले पकड़ता हूं। इसको पकड़ने के बाद दूसरे जो दो बंदे होते हैं वो ऐसे घुसते हैं जैसे ऊपर एक बंदा बैठा है, नूब साला कैम करके मार रहा है, इसको तो पकड़ूंगा आज। एंड अब देखो इनके साथ मैं क्या करता हूं, क्योंकि ये लोग मेरे पे घुसने की हिम्मत कर रहे हैं तो घुसाना तो पड़ेगा ना। एक का साबुन ना थोड़ा सा स्लो था, इसकी भी क्लास लगाता हूँ, रुको एक सेकंड। हो गया रस, बहुत सारा किल मिल गया तुम लोग को, मिल गया ना क्लास, चलो बे। तो भाई मेरा एक टीममेट ना मेरे को ऐसे बोल रहा था कि भाई तुमको ना स्नाइपर चलानी नहीं आती, तो बेटा हम ना तुम्हारे पापा हैं, तो पापा को ना समझ जाओ, बोलना नहीं चाहते, वल्गर हो जाएगा। एंड दूसरी चीज, ये वीडियो पर्सनली तुम्हारे लिए है, जो तुम कहते हो ना हमें स्नाइपर चलानी नहीं आती, तो इस वीडियो को डाल लो अपने बुद्धि में, ताकि तुमको समझ आए कि हाँ हमको स्नाइपर चलानी आती है। अब जरा ये देखो, अब दोस्तों बात कुछ ऐसा है ना कि हमारा जो टीममेट है वो एक नंबर का भैरंड इंसान है। अब बोल पड़ा कि क्लोज में मार के दिखाओ, तो भाई ले भाई देख ही ले, देख लिया, मिल गई खुशी। भाई चैलेंज मत किया करो समझे, चैलेंज ना लेना हमारा बचपन का आदत है, तो चैलेंज मत किया करो ठीक है, समझ जाओ पापा हैं हम तुम्हारे स्नाइपिंग में, असॉल्टिंग में तो थे ही स्नाइपिंग में भी, और बेटा हम तुम्हारे बाप है, इस बात पे कुछ शक है ना, तो एक बार ये देख लियो। समझ गए बेटा, सामने दिखे तो ऐसे ही पेले जाओगे। सोचा जाते जाते बाप होने का एक और सबूत दे ही देते हैं, क्योंकि ये हो गया था नॉक, तो अब इसको बचाना तो पड़ेगा ना। खैर बचा तो नहीं सकते, क्योंकि ये जो आजकल के बंदे हैं बहुत केडी मेंटेन करते हैं, तो इनको तो नहीं बचा सके, बट बदला तो ले ही सकते हैं। देखो ऊपर भाग के कैंप कर दिया, जैसे इसको मारा था मेरे बेटे को वैसे ही ऊपर जाके कैंप कर रहा था कि मेरे को ही मार सके। अभी इसका कैंपिंग निकालते हैं, रुको जरा। तो गाइज आज की वीडियो आपको पसंद आई है कि नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय गाइज।